तो आज हमारे साथ आ रहे हैं करण भाई और इनकी आज बाइक पे हम लेके जा रहे हैं ऑफ रोड के लिए। सिंगल बाइक पे जा रहे हैं, आरएस को नहीं लेके जा रहे क्योंकि उसमें भी काम स्टार्ट करवाना है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से आज इसी पे जाएंगे। और ये आज बहुत टाइम बाद खत्री भाई आए, तुम सबने लास्ट ब्लॉग में इसे कब देखा होगा मेरे को खुद नहीं पता भाई। डोमिनार का सारा काम हो गया ऑलमोस्ट, इसका एक्सीडेंट हुआ था तो हैंडल राइजर रह गए थे, वो भी हमने ऑर्डर कर दिए थे, गलती से उन्होंने डोमिनार 400 वाले मंगा लिए 200 वाले की जगह। तो आपको हैंडल राइजर दिखा देता हूँ मैं, तो ये वाले क्रैक है भाई, ये आएंगे ऊपर ऊपर के ब्रैकेट से और पूरा बाइक ओके हो चुकी है। पूरी बाइक का खर्चा कल इसने 6000 रुपये लगा दिए इस पर। चल छोरे, गली से निकलते हुए इतने कांड हो रहे भाई, कभी ट्रैक्टर आ रहा है कभी कुछ आ रहा है। तो करण भाई का हेलमेट भी ले रहा काफ़ी अच्छा है और इसकी जो मेरे को ग्राफिक है वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बस यही है कि उसने डोमिनार के हिसाब से लिया, मैं आरएस के हिसाब से लेने गया, मेरे को मिला नहीं, मैं एमरजेंसी में यही उठा के ले आया था। तो यही डिफरेंस है दोनों हेलमेट में, पर भाई हेलमेट की लुक अल्टीमेट है इसकी भी। तो हम जा रहे हैं आज ऑफ रोड करने, प्लस आपको देखा ऑफ रोड दिखाएंगे, डोमिनार प्लस का रिव्यू दे दूंगा भाई। धीरे, मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ साले, इस तरह ना घुमा। थोड़ा सा ले लो, 2 मिनट लगने हैं। चलो करें, थोड़ा पीछे कर ले, जाने दे फिर, कोई चक्कर नहीं, इतने में निकल जाओगे ना, बता दो। और कर थोड़ा सा इधर को चल, आज बहुत है। इस साइड को आना है। तो कहाँ तू भसूड़ी मचाने में लगा रहता है हर टाइम, और पीछे कर और कर, यहाँ पर एक काम कर, इस वाले घर के पास आ जा, इस वाले घर के पास आ जा। हाँ, जब तेरे ऊपर ट्रैक्टर आ रहा है ब्रेक मार ले, तू जान बुझ घुसी जा रहा है। चल कोई नहीं, हो गया। हमने सर्विस कराई थी ना, इसका हम टेस्ट ले रहे हैं क्योंकि ये कुछ टाइम बाद ये भाई जा रहा है राइड पे, और टेस्ट किस तरह ले रहे हैं कि भाई जो उसकी रेस में प्रॉब्लम थी थोड़ा बहुत, नवी बाइक अभी मतलब नंबर भी अप्लाई नहीं हुआ, पर 6000 किलोमीटर ऑलमोस्ट रन कर दिया तो ऑफ रोड में, क्योंकि जिस ट्रैक पर जाएगा वहाँ भी ऑफ रोड ही रहेगा। हैं, 6000 भी नहीं चली अभी, तो ऑफ रोड के साथ हम टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि टायर भी इसका ख़त्म कर दिया इसने बर्नआउट मार के, थोड़ा बहुत ही देखेंगे और फिर उसके बाद मैं वापस मैच चलाऊंगा, फिर हम अपना एक वीडियो शूट करेंगे। पहले मैंने सोचा था कि मैं KTM RC 200 लूंगा, फिर मेरी ड्राइविंग ऑफ रोड ड्राइविंग करता हूँ, तेज चलाता हूँ, हाई स्पीड वगैरह, तो फिर मैंने ये लीज करके डोमिनर 250।
बजट में भी थी, बाइक बढ़िया, बाइक में कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस इसके ये थोड़े कमजोर से टूट गए थे। भाई बता रहे कि वाला जो राइजर है ना, इसके टूट गए। रीजन क्या था भाई? भाई लेके गए, इनके बड़े भाई जो राइड लेके गए थे और गलती से एक्सीडेंट हो गया, तो ये टूट गया बाइक में और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस थोड़ा नंबर प्लेट आपको दिख रहे हो बैंड हो गए, बट ये राइजर टूट गया। सबसे बड़ी मतलब कमजोरी ये थी बजाज की, इसको थोड़ा सा ना अच्छी क्वालिटी का देने चाहिए था। बाकी भाई बाइक इतनी सॉलिड है ना, इतनी गंदी तरह देखे मारी ना मिलने में जाए, इलाइनमेंट वगैरह शॉप पर कुछ भी हिले हो, इतनी बिजली मारी, बहुत कुछ राइड पे बर्नआउट वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चीज़ टूट गई थी, बाकी और कुछ नहीं था। करण भाई ने इस बाइक को राइड किया ना भाई, उस हिसाब से देखा जाए तो ये बाइक में ना बहुत ज़्यादा खर्चा मांग सकते थे अगर कोई दूसरी ब्रांड की बाइक होती, या फिर हम बात करें मेरी आरएस की, तो आरएस होती तो भाई आरएस पूरी खत्म होती। जिस तरह इसका एक्सीडेंट हुआ, ये बाइक में इतनी ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुके ना अभी तक ऑलमोस्ट, तो उसके बावजूद इसने बाइक ने नॉर्मली 6,000 खर्चा मांगा। मेरी बाइक में वहीं पर 20,000 से 22,000 रुपये लग चुके हैं और अभी भी लगने बाकी हैं, तो ऐसे मेरी बाइक में खर्चे आए जा रहे हैं। इसके ना सॉकर वाइट टिल्ट हुए, मतलब बैंड हुए ना, इनका अलॉय में कोई प्रॉब्लम आई ना, इसके हैंडल राइजर गए, हैंडल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और टैंकी टूंकी सारी बच गई भाई, जो उसके क्रैश गार्ड लगा रखे हैं, भले छोटे दिखते हैं पर ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी है भाई इनकी भी। पूरे ये स्क्रैच हो गया था, इसमें पेंट कर रखा है, पेंट उखड़ भी गया, पेंट देख रहा वो खड़ रखा है, पूरा स्क्रैचेज है भाई, दोनों साइड से बाइक गिर रखी है और टैंक में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत हम जैसे देख लो इस साइड तो पूरा बैंड हो रखा है, तो ये दोनों साइड से बाइक गिरी थी बहुत बुरी तरह, जिसकी वजह से भाई बाइक एकदम A1 है, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक, और अभी तक ये बाइक 6,000 किलोमीटर चल गई हमारे पास। नंबर हमने अप्लाई कर, यहाँ से घिसड़ती ना बाइक वहीं तक की लंबी पड़ी थी पूरी, कुछ नहीं बिगड़ा था, स्लाइडर है, क्रैश गार्ड। ये हमें स्टार्टिंग में लगे कि यार बेकार चीज़ है, जो छोटे देखे थे हमने, पर भाई सेफ्टी A1 है, बजाज ने देख के लगा रखा, ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इस बाइक के लिए। और अगर आप ऑफ रोड करना चाह रहे हैं इस बाइक में, तो भाई ऑफ रोड में कोई नो डाउट भाई, हमने ऑफ रोड कर चुके हैं इसके ऊपर ऑलरेडी, आपको क्लिप दिखा रहे होंगे, और क्लिप देखना भाई काफ़ी मतलब अच्छी ऑफ रोड कर रही भाई, जिस हिसाब से उम्मीद है उससे भी बढ़िया। लद्दाख के लिए स्पेशली, लद्दाख जैसे राइड के लिए भाई ये बाइक सबसे बेस्ट है अगर आपको ऑफ रोड के चाहिए। हाँ KTM एडवेंचर की बात अलग है, वो किसी और लेवल की है, पर क्रूजिंग में देखे जाए तो भाई डोमिनर जैसे कोई और बाइक है। डोमिनर अपनी 250, अब आती है डोमिनर 400। कई बंदों ने यूट्यूब में डाले, कहीं के चलती बाइक पे इंजन ब्लास्ट हो गया, ये वो नई बाइक होगा, ज़्यादा भी चली 15-20,000 किलोमीटर में इंजन ब्लास्ट हो गया, या तो कोई डिफेक्टेड पीस आया होगा। वैसे 250 में तब तक कोई कंप्लीट ही नहीं आई, किसी ने अब तक कोई रिव्यू डाला इसके अंदर कंप्लीट का वगैरह, ये वो बाकी डालोगा थोड़ी टैंक की हल्की सी वाइब्रेशन भी डालोगी बाकी, और एक एग्जॉस्ट की जो एग्जॉस्ट का निकलता रहता बार बार, ये दो इसमें प्रॉब्लम्स है। बाइक की हम अच्छी बात करें तो वहीं पर इसके कुछ ना कुछ भाई बैड पॉइंट तो रहते रहते हैं, तो वाइब्रेशन लिटिल बिट है भाई, इतनी कम है ना मेरे को फील नहीं होती है आरएस के मुकाबले। प्लस इसका जो आपको वैली जो एग्जॉस्ट दिख रहा है, ये भी बार बार निकल जाता है भाई, इसकी भी बहुत प्रॉब्लम आई है, मैंने खुद फेस की इसके ऊपर ऑलरेडी, मैंने और करण भाई ने वीडियो बना रखी चैनल पर, आप देख लेना, आई कार्ड में लिंक दे दूंगा। प्लस भाई इस बाइक में ना जो इसके 400cc है, जो इसकी बड़ी जो इसकी सेगमेंट की बाइक है डोमिनार में ही, तो उसका क्या होता है कि कई बार इंजन ब्लास्ट हो जाता है, कई प्रॉब्लम्स आई इंजन में, पर वो जो सब प्रॉब्लम है ना भाई, कुछ 3,000 किलोमीटर करानी चाहिए आपको सर्विस, पर कंपनी क्लेम करती है 5,000 रुपये सर्विस कराओ। आप अगर कंपनी का ऑयल यूज़ कर रहे हो तो भाई 3,000 से ऊपर सर्विस आप करा लो, क्योंकि इससे ज़्यादा भाई भरोसा मत करो उस ऑयल पे। अगर किसी दूसरे ब्रांड का कर रहे हो तो भाई आप करा सकते हो थोड़ा लेट, बट मैं तो प्रेफर करूँगा भाई 3,000 रुपये आप सर्विस कराने जाते हो। तो एक बहुत बड़ी मतलब मेजर पॉइंट आता है वहाँ पर, कि भाई सारे कंपनी वाले कहते हैं कि भाई आपने इसका जो इंजन ऑयल से टॉपअप करा लो, और टॉपअप कराने से क्या होगा आपको थोड़ा सा सर्विस सस्ती पड़ जाएगी, बट मैं वहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसमें ना पूरा इंजन को भाई दोबारा, इंजन जो ऑयल है उसे पूरा निकाल के दोबारा नया इंजन ऑयल डलवाओ, क्योंकि उनकी वजह से क्या होता है कि वो अपनी सर्विस जो होती है वो बचाने के लिए, सर्विस के कॉस्ट कम करने के लिए, और ये सब चीज़ें कम करने के लिए आपका जो बाइक है उसके इंजन से खिलवाड़ करते हैं। इससे आप मैकेनिक देख लो, वहाँ के जो बजाज के मैकेनिक है ना, वो खुद कहते हैं कि भाई अगर सेकंड सर्विस होती है, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड है वो बोलते हैं कि नॉर्मल ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई जा रहा लॉन्ग टूर पे ऑफ रोडिंग करता कहता है तो खुद भी बोलते हैं कि पूरा ही चेंज करा लो। वही है, अगर आप नॉर्मल सिटी राइड करते हो तो भाई देखो सिटी राइड करो जहाँ मर्जी करो, बस वो जो तेल है ना वो चेंज कर दो पूरा, कोई फायदा नहीं उस तेल को रख के। वो तेल क्या करता है आपके इंजन को हार्म करेगा, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे नवे, जब नवा इंजन होता है तो उसके जो पार्ट्स होते हैं ना ज्यादा जल्दी घिसते हैं, तो एक बार घिसने के बाद ना वो इंजन ऑयल के साथ मिल जाते हैं, तो उस इंजन ऑयल को इसलिए जल्दी चेंज करना चाहिए और नवा डालना चाहिए, तो एक बार जब प्रोसेस खत्म हो जाता है तो वो छोटे छोटे पार्ट में आपके इंजन के हेड में जाके वो आपके हेड को खराब कर सकते हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी। मौसम एकदम खराब हो गया, बारिश होने वाली है, तो अभी हम फोटो लेके घर जा रहे हैं, और जरूर कमेंट करना कैसे लगे भाई। बारिश इतनी जोर से लग रही, छाती पे रहते करंट रहते भाई, छिलछिला जगह, ये रोड बेकार है। ओ धीरे आगे उछाल लेगा, नहीं करण भाई करण टाइलों में बेकार है, बारिश में मरे ना मरे तू ऐसे मार देगा करण, करण 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 दर्द हो रहा है, वहां पे पीछे लग रही है, ओ गिर गया बच गया। आके ब्रेकर है, देख के ब्रेकर है, अरे ब्रेकर है साले, तेरे पति के नीचे से इतनी जोर से लगता है, पागल आदमी ब्रेकर है। कूल डाउन हो गया, छोरे ने यहाँ वाट लगा दिया, आज बारिश, अब यहाँ रुक गई थोड़ा बहुत, यहाँ धीरे चलाया ब्रेकर।
भाई साहब भाई हाथों में भी जोर से लग रही है वो भाई छाती वाले फटने वाले हो रही है चिपक जाता हूँ यहाँ पानी आ रहा है पानी खराब हो जाएंगे वो देख कर भी दे दू।